जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बैरक में हैं और सबको किट मिल गई है, जो बॉक्स होता है वो मिल गया है। तो आज हम आप लोगों को बॉक्स अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। SIGD सब इंस्पेक्टर 2019 का, जो CPO 2019 का बैच था CRPF का हम लोगों का, तो विकास भाई थे, विकास भाई पिछले वीडियो में भी थे, हम लोग सब इंस्पेक्टर्स मीटअप पार्टी जो किए थे उसमें थे, लेकिन सिद्धार्थ भाई नहीं थे, सिद्धार्थ घर पर थे तो ये आ नहीं पाए थे। तो आज ये मौजूद हैं और ये पहले भी ITBP के ट्रेनीज रह चुके हैं, एक साल ट्रेनिंग करके आए हैं, तो ये अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, ये दोनों लोग कजिन है, ये विकास भदौरिया, ये विकास भदौरिया, ये सिद्धार्थ भदौरिया। तो अनबॉक्स करते हैं, चलो अनबॉक्स करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यह कैमरा ये इधर आ जाओ, यहाँ पे ये सारे सामान है। यहाँ पे एक जंगल हैट है और उसके बाद अगला कंबाइंड ड्रेस में और थोड़ा पास आ जाओ, इधर आ जाओ। कंबाइंड ड्रेस जो है हमारी इस प्रिंट में होती है, ये इस प्रिंट में होती है। अभी इसको दिखाएंगे, चलो दिखा देते हैं इसको, पहले दिखा देते हैं। हमारा वो जैकेट, ये जैकेट है और ये बहुत ही भारी जैकेट है। हाँ विकास लगा लो, अबे तुम तो अंग्रेज लग रहे हो। ये है, ये पुरानी वाली ड्रेस है ना? हाँ, ये प्रिंट पुराना प्रिंट है। पुराना प्रिंट है, अभी लेटेस्ट में नया प्रिंट आया, वो मतलब काफ़ी डार्क हो गया। हाँ वो डार्क में है, तो ये एक जैकेट है, ये जैसे हिल एरियाज में या फिर ठंडे प्रदेशों में जाते हैं जो लोग, तो इसको ही पहनते हैं। हाँ इसको खोल के दिखा दीजिए, ये ITBP मुझे मिली थी, उससे बेटर है, उससे बेटर। हाँ जी, उससे बेटर। हाँ इसमें डबल लेयर है और बढ़िया एक गर्म है, अच्छी खासी। मतलब आप ये समझ लो कि इसके अंदर कुछ पहनने की जरूरत नहीं, बस आप केवल वो कम्बैट शर्ट वगैरह जो है हाँ। वो पहन लिए काफ़ी रहता है ये। बैठ जाओ, शायद फ्रेम में नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम ये हमारे एंकलेट है। एंकलेट तो इनका मेनली ये काम होता है, ये हम यहाँ पे बांधते हैं, ये सर ये एंकल बूट के ऊपर बांधे जाते हैं। अच्छा, ड्यूटी के दौरान या जंगल में आप कहीं जा रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, ताकि मतलब इनके सांप वगैरह से बच जाएं या कोई भी मतलब जहरीला ऐसा कुछ भी इंसेक्ट वगैरह बचे रहें उससे, ये मेनली उसी के लिए होता है। हाँ नेक्स्ट है, ये एक थाली है, थाली और मग, थाली और मग। देखो रिक्रूटी में तो देखो कांस्टेबल GD जो होते हैं उनको तो इसी में खाना होता है, मेस में जाकर देखो। अपन SIGD से गए तो ये अपन मेस में जाएंगे, इसका केवल इतना है, चेक दिखाते हैं, मतलब अपन लगाते हैं घड़ी, बेड लगाते हैं बेड के पास ऊपर साइड में, जिधर अपना सिराना होता है उधर दो कम्बल फोल्ड करके, एक कम्बल के बीच में एक टॉवल, वो सॉरी मच्छरदानी, उसके ऊपर दूसरा कम्बल और फिर टॉवल में लपेट के ये केवल ऐसे शो में रख दिया जाता है जब अपन परेड पे जाते हैं। इसका कोई काम नहीं होता? हाँ, वाइट बेडशीट भी चाहते थे, इसको खाने में यूज़ करने में नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो बट इसको ऐसे रखते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, आप यूज कर सकते हैं लेकिन जब जाते हैं तो रख देते हैं, बाकी मेस में तो आपको वहाँ पे सर्व करने के लिए रहते हैं मेस बॉय वगैरह, तो ये तो हो गया। और नेक्स्ट है ये हमारा पोच है, पोच ये इसमें बुलेट्स रखने में काम आती है ना, भी अच्छा है, मतलब मैंने देख रखा है, मतलब जैसे कि वो इसमें मैगजीन रखते हैं, मैगजीन रखने के काम में आता है। और ये इसमें ग्रेनेड होता है यहाँ पे, और इसमें दो इधर होते हैं और एक इसमें ये दे रखा था, हाँ ये रखा दो इधर, मतलब वेस्ट ग्रेनेड कोक के ग्रेनेड, वेस्ट पे इसको बांधते हैं ना ये आप लगाने के लिए, वेस्ट पे का आ जाता है ऐसे यहाँ पे आ जाता है टांगने के बाद। अच्छा वेस्ट पे ही आता है वो, मतलब यहाँ पे आता स्टमक पे आता है, BPT वगैरह जब भी हम दौड़ते हैं तो इसको लेके ये पूरे ड्रेस पूरी किट है, कम्बाइंड ड्रेस की किट है मेनली। नेक्स्ट है, अभी 12 आइटम मिले हमको ना? हाँ 12 आइटम मिले हैं। और ये है, ये पिट्ठू हमारा, पिट्ठू इसमें हम ट्रेनिंग के दौरान ग्राउंड सीट रख लेते हैं, बॉटल हुआ तो बॉटल डाल लिए और हाँ बस ऐसे ही बॉटल, ग्राउंड सीट के अलावा और कुछ ज़्यादा अपना, जैसे कि हम एक नोट्स लेके चलते हैं, नोट्स इसमें, हालांकि पोच में भी होता हमारे पास डायरी रखने के लिए, ये बना हुआ ये डायरी रखने के लिए होती है, हमें मिलती इतनी ऐसी डायरी जो डेली के नोट करने में। अगला है एक स्वेटर है, ये जर्सी हो गई, जर्सी मतलब स्वेटर टाइप का है, तो ये ठंडी में हाँ अच्छा जर्सी बोलते हैं, ठीक है जर्सी है और इसको ठंडे प्रदेशों में जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे पहनते हैं, यूज़ करते हैं। हालांकि इसका जो शर्ट होता है ना, जो वो शर्ट को अंगोला शर्ट भी बोलते हैं, अंगोला शर्ट, ये मतलब गर्म होता हो तो शर्ट हरे टाइप में होता है, आपने देखा होगा शायद उसके ऊपर बनते हैं।
और मच्छरदानी है, मच्छरदानी इसी को बता रहे हैं, मच्छरदानी मिलती है। और आप यूज करो, फोल्ड करके सुबह जाओ, इसको घड़ी में लगा के जाओ। इसके साथ एक ये बेल्ट हो गया, ये कम्बैट बेल्ट है, बेल्ट है। हाँ, तो ये कम्बैट जो भी हमने दिखाई थी उस पे लगाते हैं, उस पे लगाते हैं। और ये आइकन, और ये सीलिंग हो गया हमारा, सीलिंग जो राइफल वगैरह में, राइफल में लगाते हैं जो टांगने के काम आता है ना। इतनी चीज़ मिले हैं, लगभग 12 चीज़, 28 आइटम मिलने वाले थे हमको, जिसमें से हमारा पी कैप नहीं मिला, DMS शूज़ नहीं मिले, एंकल शूज़ नहीं मिले, एक दो पेयर पेटी शूज़ मिलने थे वो नहीं मिले हमें। ये ऐसा कम्बल, कैमरे पे दिखाओ, ऐसा कम्बल होता ऐसे तीन, हाँ तीन ब्लैंकेट मिलते हैं, तीन ब्लैंकेट तीन मिलते हैं, तो एक बिछाने को होता, दो घड़ी के लिए होते हैं, और एक दरी मिलती है, और स्पून वगैरह तो हो ही गया, बाकी बैरेट चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ, बैरेट वगैरह, बैरेट कैप वगैरह हो गई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अभी, बाकी वो सारा हमको क्या बोले कि यहाँ से जितना GC में प्रोवाइड करा दिए तो अपन इधर से जाएंगे, ये बाकी इनकी एक स्क्वाड जाएगी यहाँ से, वो ट्रेनिंग सेंटर में दे के आएगी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। तो अभी 16 चीज़ें और मिलनी हैं। हाँ, अभी 16 चीज़ें हमें और मिलनी हैं। तो यही है, सबको बक्से मिल गए हैं, एक दो और सबके पास हैं लगभग, हम दो लोग को नहीं मिले हैं क्योंकि हम दो लोग एक्सटेंशन ले लिए, हम और विकास एक्सटेंशन ले लिए हैं, तो वापस घर जा रहे हैं, UPSI में हो गए हैं भैया हमारे, अरे UPSI दिल्ली टीचर में हो गए हैं, स्पेशल टीचर हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं, एक्सटेंशन लिए हैं, UPSI का थोड़ा मामला फंसा हुआ है तो उसको देख के आते हैं जैसे होगा, बाकी जॉब छोड़ी नहीं है अभी, सेफ है जॉब यहाँ पे। तीन महीने का बोल रहे हैं शायद, अभी वो भी एक्सटेंशन मिला नहीं है, हम लोगों ने लेटर सबमिट कर दिया है, तो वो अभी मतलब इनके हाथ में नहीं है ना, यहाँ पे DIG के हाथ में है, नहीं है, नहीं मतलब है नहीं, तो वो हेडक्वार्टर भेजे हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर, वहाँ से DG उसको अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अप्रूव कर देंगे, तो फिर ये लोग फिर बाई पोस्ट हम लोग को एंटीमेशन दे देंगे घर पर, बोले थे। हाँ हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं, तो आज आप GC से जाओगे, दो दिन बाद हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, दो दिन बाद 28 को ये लोग मुतखेड़ जाएंगे, मुतखेड़ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, CRPF ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, इन लोगों की लगभग 11 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग चलने वाली है, तो बहुत ही मज़ा आएगा ट्रेनिंग में ना, पहले भी ट्रेनिंग करके आ चुके हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दो तीन महीने, लगता है कि यार अब तुम तो ट्रेनिंग हो, ITBP कांस्टेबल की ट्रेनिंग 2018 GD वाले के एस्पिरेंट हैं तो करके आ चुके हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी जो हैं जो नए नए आए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग होते तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम होती, खैर हम लोग तो जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, फिर आते हैं देखते हैं कब आते हैं, तो आप लोगों को दिखा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी एक वीडियो जो हम लोग, मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग करूंगा, ब्लॉग हो चुका है लेकिन वो एडिटिंग नहीं हो पाई उसकी, तो वो वीडियो आ जाएगा, तो अभी वो आ नहीं पाया है, उसको भी डाल देंगे, तो अभी ये आप लोग देखिए, थैंक यू, जय हिंद, हम सब की तरफ से जय हिंद।